ने जो ड्रग पढ़नी है वो बारबिट्यूरेट्स है. बारबिट्यूरेट्स से बारबिट्यूरेट्स में बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं. अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. बच्चे बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं? बारबिट्यूरेट्स सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते हैं, जिनका काम होता है सेडेशन इंड्यूस करना. अब देखें बारबिट्यूरेट्स आर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. सबसे पहले हम उसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं. देखें बारबिट्यूरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये गाबा ए रिसेप्टर पर, गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर ये बारबिट्यूरेट्स ड्रग्स एक्ट करती हैं. ओके इसका मतलब कि जब आप ड्रग लेंगे तो ये गाबा ए रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करेगी. आपने कोई भी बारबिट्यूरेट ड्रग ली तो वो जाकर गाबा ए रिसेप्टर के साथ उसने बाइंड कर लिया. ओके अब देखें जब ड्रग गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो वो गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी. ओके इसका मतलब एक्टिवेशन हो गई है गाबा रिसेप्टर की. आपको सर ने गाबा रिसेप्टर के बारे में डिटेल में बताया होगा. अब हम उसका बारबिट्यूरेट्स का उन ड्रग्स का गाबा के ऊपर इफेक्ट पड़े हैं. अब देखें जब आप कोई भी गाबा आप बारबिट्यूरेट ड्रग लेते हैं तो वो गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है. जब बारबिट्यूरेट ड्रग्स गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करेंगी तो गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा. ओके जब भी गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं वो बेसिकली ओपन हो जाते हैं. क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे. जब बारबिट्यूरेट्स गाबा रिसेप्टर ए के साथ बाइंड करते हैं तो गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है. ठीक है जो क्लोरीन के चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं क्लोराइड के बेसिकली. और इनका काम क्या होगा? ये गाबा गेटेड चैनल के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे. अब देखें गाबा गेटेड चैनल ने ओपन होना है. गाबा गेटेड चैनल ने ओपन होना है. जब ये चैनल ओपन होगा तो ये उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे बारबिट्यूरेट्स, जिसकी वजह से सेल्स की हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है. हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल्स. बच्चे देखें हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है? कि पोलराइजेशन का बहुत ज्यादा हो जाना. हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज रेट. हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी सेल्स की और जो सीएनएस है वो डिप्रेस हो जाएगा. देखें सीएनएस में अगर डिप्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली सिडेशन इंड्यूस होती है. बच्चे सिडेशन क्या होता है? कि नींद में आ जाना. तो देखें इस तरह से गाबा रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं. ये आपका प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो बारबिट्यूरेट्स हैं सेडेटिव हिप्नोटिक इनका एक्शन होगा कैसे? कि बारबिट्यूरेट्स गाबा ए रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेंगी. इस तरह से वो गाबा एनर्जिक ट्रांसमिशन को इन्हांस कर देंगी, गाबा की एक्टिविटी को ज्यादा कर देंगी. मैं दोबारा से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका रिपीट कर रही हूं बारबिट्यूरेट्स का. देखें जो गाबा ए रिसेप्टर मौजूद है, बारबिट्यूरेट्स जो आप लेते हैं बाहर से ड्रग्स, वो बारबिट्यूरेट्स जाकर गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे. जब बारबिट्यूरेट्स गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है. आपने ये पढ़ा होगा ना कि ये है रिसेप्टर और यहां ये मौजूद है ड्रग. ड्रग ने आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है. देखें अगर मेरी बॉडी में कोई भी रिसेप्टर मौजूद है, ड्रग बाहर से मैं कोई लेती हूं, जैसे मुझे पेन फील हो रही है बहुत ज्यादा, अब मैंने पेनाडोल ले ली है, तो देखें ड्रग वो मेरी बॉडी में गई, वहां पर रिसेप्टर मौजूद थे,
रिसेप्टर के साथ उस ड्रग ने बाइंड किया और इफेक्ट ये प्रोड्यूस हुआ कि मुझे जो पेन थी वो खत्म हो गई है। तो ये एक इफेक्ट हुआ ना, एक इंट्रैक्शन हुआ कि रिसेप्टर ड्रग के साथ बाइंड किया और इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से बार्बिट्यूरेट्स के बारे में हम कहते हैं कि जब बार्बिट्यूरेट्स गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब रिसेप्टर गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो जितने भी क्लोराइड चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। ओके, जैसे ही क्लोराइड चैनल ओपन हुआ तो जो गाबा गेटेड चैनल्स हैं उनकी ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाता है। जब उनका ड्यूरेशन इंक्रीज करता है बच्चे तो सेल्स की हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। अब देखें, जब सेल्स की बहुत ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन हुई तो CNS हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। जैसे डिप्रेस हुआ तो हमें सेडेशन इंड्यूस होती है, हमें नींद आती है और इस तरह से बार्बिट्यूरेट्स हमारी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है एक्शन कि गाबा के हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे जितने भी सिस्टम हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं। देखें, अगर सबसे पहले हम CNS की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है। देखें, तभी तो सेडेशन इंड्यूस होती है, तभी तो हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है हमें। तो देखें, अगर हम लेते हैं डोजेज, अगर हम बार्बिट्यूरेट की डोज लेते हैं तो बच्चे एक तो अगर हम उसको हाई डोज लेंगे उसके अलग इफेक्ट्स होंगे, अगर हम लो लेते हैं डोज की तो उसके अलग इफेक्ट्स होंगे। अब देखें, अगर हम बार्बिट्यूरेट्स को लो डोज पर कम मिकदार में कम डोज में लेते हैं तो बार्बिट्यूरेट सिडेशन प्रोड्यूस करते हैं। बच्चे सिडेशन क्या होता है? कालमिंग इफेक्ट, ठीक है, पुरसकून कर देते हैं बार्बिट्यूरेट्स हमें, ठीक है। और जो हम जो पुरजोश हो जाते हैं तो वो हमारा पुरजोश होने का जो अमल है या हमारी एक्टिविटी उसको कम कर देते हैं, बस हम पुरसकून हो जाते हैं, कार्मिंग इफेक्ट आ जाता है, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम हाई डोज पर बार्बिट्यूरेट्स को लेते हैं तो हाई डोज पर ड्रग हिप्नोसिस कॉज करती है। बच्चे हिप्नोसिस क्या होता है? नींद आना। जैसे हम एनेस्थीजिया लेते हैं, एनेस्थीजिया बच्चे क्या होता है कि कोई भी आप नींद के लिए तो सुन करने के लिए अगर कोई भी टैबलेट लेते हैं तो क्या होता है कि आपको वहां की फीलिंग खत्म हो जाती है, आपकी सुन हो जाते हैं आप, ठीक है। वो कहते हैं कि फाइनली क्या होता है, कोमे में बंदा चला जाता है और डेथ हो जाती है अगर आप हाई डोज देते हैं। देखिए कितनी खतरनाक है कि पहले हिप्नोसिस हुई, नींद आई, फिर बंदा कोमे में चला गया, फिर डेथ हो गई। ओके, तो वो कहते हैं कि CNS अगर डिप्रेस हो जाता है, देखें ये CNS डिप्रेस की बात करें तो मैंने जो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाया उसमें मैंने यही बात की है कि ओवरऑल जो आपका CNS है वो डिप्रेस हो जाता है। देखें, जब CNS डिप्रेस होगा तो डिप्रेशन की वजह से हमें सिडेशन फील होगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है डोज के ऊपर कि हमने डोज हाई ली है या हमने डोज लो ली है, उसके मुताबिक हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखें, चलते हैं रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की तरफ। अगर हम बार्बिट्यूरेट्स ड्रग्स लेते हैं तो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है। अगर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम डिप्रेस होगा तो देखें, एक इंसान जिसे जिसका रिस्पायरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो गया उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। अगर सांस लेने में एक बंदे को बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है तो कॉमन सेंस की बात है कि उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो देखें, बार्बिट्यूरेट्स की जो डोज है अगर हम हाई अमाउंट में लेते हैं तो हमारे लिए कितनी खतरनाक है। अब देखें कि बार्बिट्यूरेट्स कैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। यहां पर लिखा है कि बार्बिट्यूरेट्स हाइपोक्सिक कंडीशन उसको सप्रेस कर देते हैं। जो हमारा हाइपोक्सिक और कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, ये उसको सप्रेस कर देते हैं। और जो ओवरडोजेज है उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है और उस बंदे की डेथ हो जाती है। अब देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ। अभी ये तो हमने बात की थी कि उसके एक्शन क्या हैं। तो देखें, उसके CNS पर इफेक्ट्स हैं, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट्स हैं। अगर हम थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें कि अगर हम बार्बिट्यूरेट्स ले रहे हैं तो हमें उसके फायदे क्या हैं, तो देखें सबसे पहला फायदा यह है कि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर हम
किसी वक्त के लिए, किसी दौरानिया के लिए, मखसूस दौरानिया में हम चाहते हैं कि सिडेशन इंड्यूस हो जाए, नींद आ जाए, ओके, तो क्या करते हैं हम, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं बार्बिट्यूरेट्स का इस्तेमाल करते हुए। उसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स होते हैं जस्ट लाइक थायोफेंटाल, इनको हम इंट्रावेनसली मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम इनको बॉडी में इंसर्ट करते हैं ताकि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो, नींद आए। उसके अलावा इसका एंटी कॉन्वल्सेंट एक्शन होता है। देखें इसका काम बार्बिट्यूरेट्स का क्या होता है कि ये सीजर्स को कंट्रोल, बच्चे सीजर्स क्या होते हैं, आम अगर हम उर्दू में देखें तो क्या होते हैं सीजर्स, मिर्गी का दौरा, ओके, जो मिर्गी का दौरा होता है उसे सीजर्स कहते हैं, मिर्गी के दौरे को। देखिए स्टेटस एपिलेप्टिकस, बच्चे ये एक कंडीशन है एपिलेप्सी की जिसमें मिर्गी का दौरा पड़ता है, ठीक है, सीजर्स भी उसी का ही नाम है। उसके अलावा एक्लैम्सिया, बच्चे एक्लैम्सिया भी इसी का है कि उस बंदे को दौरे पड़ते हैं, ओके, तो ये एंटी कॉन्वल्सेंट एक्शन के लिए आप बार्बिट्यूरेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एंग्जाइटी, बच्चे एंग्जाइटी क्या होता है, परेशानी, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा परेशान है तो वो बार्बिट्यूरेट्स का इस्तेमाल करता है ताकि उसको सुकून मिले, उसकी जो टेंशन है वो खत्म हो। और अगर उसको नींद नहीं आ रही, इंसोमिया क्या होता है कि नींद का ना आना, तो उस बंदे को नींद आए, ठीक है, एंग्जाइटी क्या होता है, परेशानी या दुख, नर्वस टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन में होना, परेशान होना, इंसोमिया, नींद का ना आना। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स, अगर आप बार्बिट्यूरेट्स ड्रग्स लेते हैं तो वो ऑरली एब्जॉर्ब होती हैं, ऑरली आप उसको लेते हैं, उसके अलावा ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाती हैं, लीवर के अंदर ये मेटाबोलाइज होती हैं, इनकी ब्रेकडाउन होती है, और जो इनएक्टिव जो मेटाबोलाइज नहीं होती, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूरिन से हमारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब देखें साइड इफेक्ट्स, अगर आप बार्बिट्यूरेट्स ले रहे हैं तो उसके नुकसान क्या है आपकी बॉडी के ऊपर, एक तो ड्रॉजनेस, बच्चे ड्रोजनेस क्या होता है, चक्कर आना, ओके, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन के आप पुरजोश ना हो या आपकी आपकी तवज्जो ना हो, बिल्कुल आप जो है परेशान हो जाते हैं और एक्टिव नहीं रहते, मेंटली एक्टिव ना होना इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन कहलाता है। उसके अलावा देखिए वो कह रहे हैं कि मेंटल एंड फिजिकल स्लगिनेस ट्रीमर्स, बच्चे स्लगनेस ट्रीमर्स क्या होते हैं कि वो बंदा कांपता है, ठीक है, कांपना, ओके, एंग्जाइटी, परेशान होना, वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाना, रेस्टलेसनेस कि उसको सुकून मुयस्सर ना होना, नोजिया कि उसको वॉमिटिंग फील होना, ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग में बहुत फर्क होता है। नोजिया क्या होता है कि आपको मतली फील होती है, ठीक है, वॉमिटिंग क्या होता है कि आपको प्रॉपर वॉमिट हो रही है, उल्टी आना, अब देखिए वो कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आपने हाई डोज ले लिए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। बच्चे ये थे बार्बिट्यूरेट्स।